हेलो दोस्तों नमस्कार एस एम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को एड करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो या पे भी बेल आइकन को एड करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके आप रख लेना इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसी के साथ साथ आज के दिन के पहले दो इंपॉर्टेंट वीडियो इन दोनों वीडियोज़ को आप चाहो तो स्टडी कर सकते हो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है तो चले दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं सो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर फिलहाल अगर हम लोग बात करें तो दुनिया भर के जितने भी बाज़ार हैं हम लोगों को उनमें गिरावट ही देखने को यहाँ पे मिल रही है सो so डेफिनेटली दोस्तों ये जो गिरावट है वो कोई सिर्फ इंडियन मार्केट में ही चल रहा है ऐसी बिल्कुल भी बात यहाँ पर नहीं है दुनिया के कोई भी मार्केट को अगर आप लोग उठाकर देख लेंगे तो वहाँ पर हम लोग को इसी तरीके का प्रेशर देखने को यहाँ पे मिल रहा है सो डेफिनेटली ये जो प्रेशर है इसके पीछे हम लोग को बहुत बड़े कारण देखने को मिलते हैं एंड यही कारण अगर आप चाहो तो स्टडी करने की भी कोशिश यहाँ पे कर सकते हो सो सिक्वेंस के साथ जाएंगे मतलब अगर हम लोग बात करें सबसे पहले जो शुरुआत हम लोगों को कहां से देखने को मिली तो शुरुआत आप सभी लोगों को पता है कि कोविड से ही इसकी हम लोग को स्टार्टिंग देखने को पे मिली है मतलब देखिए कोविड में बहुत सारे लॉकडाउन देखने को मिले बहुत सारी इकोनॉमी स्लो डाउन होती हुई देखने को मिली राइट एंड कोविड की ही अगर हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट रेट लो भी करते हुए हम लोग को देखने को मिला अगर हम लोग फेडरल रिजर्व की बात करें बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें हमारे एमपीसी की बैठक आरबीआई की मॉनिटरी पॉलिसी की अगर हम लोग बात करें तो सभी सेंट्रल बैंक थे उन्होंने इंटरेस्ट रेट को यहां पे लो किया था क्योंकि कोविड में हम लोग को बहुत सारे इकोनॉमी इस क्या देखने को मिले थे? स्लो डाउन होते हुए देखने को मिले थे so, बट को so, तो को को चलिए कोई बात नहीं कोविड ट्वेंटी ट्वेंटी साल डेढ़ दो साल तक रह, देखने को मिला और उसके बाद हम लोगों को वापस कम देखने को ही यहां पर मिला था बट देन उसके बाद सेकेंड इंपॉर्टेंट न्यूज हम लोग को देखने को मिली एंड वो न्यूज थी रशिया ने अटैक कर दिया यूक्रेन के ऊपर सो दोस्तों हम लोग जरूर कह सकते हैं ये ये एक ऐसी वजह है जिसके चलते पूरे दुनिया भर के बाजार में क्या छा गया अनसर्टेनिटी छा गया अनसर्टेनिटी बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं होती अनसर्टेनिटी मतलब आगे क्या होगा इसका कोई भी भरोसा नहीं मैं अभी वीडियो में कुछ बोल रहा हूँ कोई गारंटी नहीं रशिया वहाँ पर क्या फैसला ले ले सो so, इस तरीके की जो अनसर्टिनिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा डाउट क्रिएट करती है एंड इसीलिए बाज़ार से हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे पैसा बाहर जाते हुए देखने को आप मिल रहा है एग्जिट होते हुए देखने को यहाँ मिल रहा है प्लस अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो देखिए रशिया एक बहुत बड़ी कंट्री है दुनिया की अगर मैं बात करूँ दोस्तों उसमें कुछ ऐसे कंट्रीज़ है जो कि दुनिया की इकोनॉमी में कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन देता है मतलब देखिए बीच में अफगानिस्तान की न्यूज़ आई थी तालिबान ने अटैक किया कैप्चर किया किसी भी बाजार को कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इतना ज़्यादा उनका कोई कॉन्ट्रीब्यूशन ही नहीं रहता था राइट बट रशिया की बात करें तो दोस्तों आपको पता है उनके पास क्या है यस क्रूड ऑयल है नेचुरल गैसेस है एंड अगर हम लोग बात करें दुनिया के क्रूड ऑयल का रिक्वायरमेंट में से 10 परसेंट रशिया फुलफिल करता है सो so, इतना बड़ा उनका योगदान है इसीलिए तो रशिया जैसी कंट्री अटैक करने का सोचती है बाकी कंट्री नहीं सोच सकती प्लस अगर हम लोग बात करें तो यूरोप का लगभग 25 परसेंट रशिया ही यहाँ पर सप्लाई करता है क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें नेचुरल गैस की बात करें तो वो तो अलग ही है सो so, यहाँ से हम लोग को सेकंड प्रॉब्लम देखने को मिली कि यहाँ पे रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर पर वो अटैक दुनिया भर के जितने भी बाजार थे उनके ऊपर हम लोग को होते हुए देखने को मिला और इंडिया की बात करें इंडिया तो अट्ठी अस्सी से ज़्यादा हम लोग हमारे रिक्वायरमेंट का क्रूड ऑयल तो इम्पोर्ट करवाते हैं तो इसीलिए हमारी भी बैंड बच गई क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम फिर आसमान छूते हुए हम लोग को देखने को मिले जो कि आज भी तीन डिजिट में यहाँ पे प्रति बैरल चलते हुए देखने को मिल रहे हैं सो ये सेकेंड रीजन हम लोग को देखने को मिला देन थर्ड रीजन की बात करें तो हर किसी को यहां पे no महंगाई देखने को मिल गई क्रूड ऑयल महंगा हो गया तो हर एक चीज महंगी होती है जैसे मैंने कहा था कि क्रूड ऑयल महंगा मतलब आपके घर में किचन में रखे हुए सामान भी महंगे हो जाते हैं महंगाई एंड महंगाई जर हो जाती है तो आप लोगों को पता है जो नंबर वन पे हम लोगों ने कोविड के वक्त जो सेंट्रल बैंक ने इंटरेस्ट रेट लो किया था उनको इसी इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए क्या करना पड़ता है ये इंटरेस्ट रेट बढ़ाने पड़ते हैं सो ये एक स्टेप रहता है इन्फ्लेशन के अगेंस्ट आप लोगों को बहुत सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं जो कि अभी फिलहाल हम लोग देख चुके हैं कि सरकार यहाँ पे कोशिश यहाँ पे कर रही है सो so, इन्फ्लेशन की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें यह भी चीज़ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली है सो so, इसके चलते जैसे मैंने कहा कि रेट्स ज्यादा से ज्यादा बढ़ने से रिलेटेड फियर रहता है एंड रेट बढ़ना ये इक्विटी मार्केट के लिए अच्छी बात यहाँ पर नहीं होती क्योंकि अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों को सिक, जो सिक्योर यहाँ पे ऑप्शन रहते हैं जहाँ से हम लोगों को अच्छे रिटर्न मिलेंगे वहाँ पे हम लोग को रेट बढ़ते हुए देखने को मिलेंगे तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं वहाँ पे जाके अपना पैसे को इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं सो इन्फ्लेशन से रिलेटेड ये बातें देखने को मिली देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो इसी चीज़ को कंटिन्यू होते हुए क्या चीजें की बातें चल रही है रिसेशन यस yes. इंडिया की इतनी बात नहीं चल रही बट येस विदेश की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें हम लोग को रिसेशन जैसी चीज़ों की भी बातचीत होती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है सो ये जितने भी रीजन्स है ये क्या कर रहे हैं बाजार को ऊपर जाने के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं जो कि हम लोग फिलहाल तो यहाँ पे देख रहे हैं देन दोस्तों अगर हम लोग यहाँ बात करें पॉइंट नंबर फोर वेरी 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 इंपॉर्टेंट कौन सा जो मैंने अभी भी आप लोगों को यहाँ पे बताया कि रेट हाइक का खतरा बार बार यही चीज़ है कि इन्फ्लेशन रिसेशन ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है एंड अगर हम मैं अमेरिका की बात करूँ तो वहाँ पे तो बहुत बड़े रेट हाइक की संभावना देखने को मिलती है इंडिया में इतना नहीं होगा जितना अमेरिका में होगा राइट क्योंकि हम लोग कह सकते हैं मैं बार बार कहता हूँ कि अमेरिका क्या है कि येस ग्रोथ ओरिएटेड ज़्यादा बातचीत करता था वहाँ पर इन्फ्लेशन जैसी स्थिति हम लोग को देखने को ज़्यादा नहीं मिलती थी सो रीज़न बहुत ही सिंपल है दोस्तों अभी अमेरिका जैसी कंट्री या फिर जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है ग्रोथ ओरिएंटेड थे बट अभी इन्फ्लेशन से फाइट कर रहे हैं एंड हम लोग ज़रूर कह सकते हैं इसके चलते उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें झेलने को यहाँ पे पड़ने वाली है सो so, नो no डाउट वहाँ पे बहुत सारे रेट हाइक हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं शायद से इंडिया में इतने रेट हाइक देखने को यहाँ पे ना मिले सो so, इसी के चलते हम लोग कह सकते हैं दुनिया भर के जितने भी बाजार हैं हम लोग को यहाँ पे इसी चीज़ का डर है कि नेक्स्ट उनके सेंट्रल बैंक की मीटिंग रहेगी वहाँ पे रेट हाइक के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बन सकते हैं सो so ये भी एक फेयर देखने को मिल रहा है देन दोस्तों अगर हम लोग बात करें पॉइंट नंबर फाइव सो पॉइंट नंबर फाइव है दोस्तों जियो प्रेशर हम लोग कह सकते हैं यस yes, जैसे कि रशिया ने अटैक कर लिया यूक्रेन की ओर आप सभी लोग अगर यहाँ पर जियो जो चीज़ें रहते हैं यहाँ पे अगर उसको पढ़ते होंगे तो आपको पता है कि यहाँ पे चाइना भी कोशिश कर रहा है ताइवान से रिलेटेड सेम प्लानिंग कि चाइना भी यहाँ पे क्या कर सकता है ताइवान के ऊपर अटैक यहाँ पे कर सकता है कुछ ही दिनों पहले की अगर मैं बात करूँ शायद से एक दो दिन पहले की न्यूज़ है कि आप लोगों ने ये सुना भी होगा यस आप देख सकते हैं देखिए दो दिन पहले की न्यूज़ है कि एक बहुत ही बड़ा ऑडियो लीक यहाँ पे सामने आया था कौन सा कि चाइना की हायर लेवल अथॉरिटी की मीटिंग हुई और उनमें डिसीजन चल रहा था कि वो कैसे ताइवान में एंटर करेंगे कैसे ताइवान के ऊपर अटैक करेंगे कितने सोल्जर्स रखेंगे नेवी का कितना इस्तेमाल होगा उसकी ऑडियो लीक होते हुए देखने को मिली दोस्तों सो इसके चलते हम लोग कह सकते हैं कि दुनिया भर के बाजार में क्या देखिए पहले ही प्रेशर रहता है सो ऐसी न्यूज़ भी हम लोग को क्या करते हुए देखने को मिल जाती है एक्स्ट्रा और प्रेशर डालते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है प्लस अगर हम लोग बात करें तो हाल ही की ही ताज़ा ताज़ा खबर आप लोगों ने सुनी होगी कि क्वार की बैठक हम लोग को देखने को मिली थी जहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर जी भी गए थे सो वहाँ पर क्या कर लिया चाइना एंड रशिया के हम लोग को फाइटर जेट्स यहाँ पे जापान के एयर स्पेस के, के करीब यहाँ पे मंडराते हुए देखने को मिले मतलब पावर दिखाने कोश, की कोशिश डराने की कोशिश यहाँ पे चली थी सो ये जियो जियो भी ये बोलते हैं ना एक पॉलिटिक्स यहाँ पे जो चलता है वो प्रेशर क्रिएट करने की भी यहाँ पे बार बार यहाँ पे मतलब कोशिश यहाँ पे की जा रही है सो so, इन सभी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़ कर देख ले तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है एक अच्छा खासा प्रेशर वाला माहौल हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है सो so, नो no डाउट आपका नेक्स्ट सवाल यही रहेगा सर ये तो फिर प्रेशर रहेगा तो क्या ऐसे प्रेशर में इन्वेस्ट करना ठीक रहेगा तो दोस्तों मैं इसके पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि मार्केट में अगर आप परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करोगे कि सब कुछ नॉर्मल चलेगा तो ऐसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है इनफैक्ट मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो अभी की चीज़ें देखने को मिल रही है ये इनफैक्ट मतलब ये जो जियो पोलिटिकल चीज़ें हैं ये इनफैक्ट इंडिया के बाहर तो हो रही है राइट अगर मैं यहाँ पे ये इंडिया बोलूँ तो ये इंडिया के बाहर हो रही है मैं आपको बताना चाहूँगा इंडिया में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी इंडिया के अगेंस्ट हुई थी जैसे कि अगर हम लोग बॉम्बलास्ट की बात करें इंडिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने से रिलेटेड ऐसी बहुत एक्टिविटीज़ हुई थी आप सभी लोगों को याद भी होगा नाइन्टी से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ या फिर छब्बीस ग्यारह की अगर मैं बात करूं, राइट प्लस कारगिल युद्ध की अगर हम लोग बात करें ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई थी जिसमें इंडिया के ऊपर डायरेक्टली अटैक हुआ था तो क्या इंडियन मार्केट ख़त्म हुआ मैं स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करूँ क्योंकि ये चैनल इसी से रिलेटेड है सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ तो इसलिए कहना चाहूँगा अगर इसके चलते अगर आप लोग डर गए कि यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए तो फिर आप कभी भी डिसीजन नहीं ले पाओगे क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया आपको मार्केट कभी भी मौका देने वाला नहीं कि सब कुछ यहाँ पे नॉर्मल रहे कोई ना कोई चीज़ आपको 2024 में भी मिलेगी 2026 में भी मिलेगी 2030 में भी मिलेगी पैंतीस में भी मिलेगी चालीस में भी मिलेगी मार्केट उसी के बीच में से चलते हुए देखने को पे मिल जाता है एंड एक फार्मूला याद रखना दोस्तों मार्केट भले ऐसे छः महीने गिरता रहे बट उसकी जो रिकवरी रहती है दोस्तों मार्केट एक महीने के अंदर अंदर कर देता है इतना तेज़ी से भागेगा जैसे मैंने लास्ट उडे में बताया था कि इतना तेज़ी से मार्केट जब रिकवर करता है सभी लोग डाउट करना स्टार्ट कर देते हैं कि तेज़ी असली है या नकली है एंड बाद में वो इतना भागता रहता है इतना भागता रहता है कि समझ में नहीं आता है 2020 में भी ऐसा ही हुआ है सो so इसीलिए कहना चाहूँगा इन चीज़ों से डरने की जरूरत नहीं होती ये चीज़ें चलती रहती है राइट right? बहुत सारे लोग पूछते भी सर वर्ल्ड वॉर होगा क्या देखिए वर्ल्ड वॉर होगा नहीं होगा ये कोई भी प्रेडिक्ट यहाँ पर नहीं कर सकता एंड अगर होगा तो आपका बैंक में रखा हुआ पैसे का भी कोई वैल्यू नहीं है राइट क्योंकि ये वर्ल्ड वॉर आखिरी वाला ही रहने वाला है सो so ये भी चीज़ें हम लोगों को देखने को यहाँ पे ऐसे यहाँ पे मिली थी बट जेन्यूनली देखा गया तो इतना कोई वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व यहाँ पे नहीं होगा क्योंकि हर कंट्री की अगर हम लोग इंटरनली सिचुएशन देखे तो बहुत ही खराब है मतलब ऑलरेडी यहाँ पे मतलब कोई वॉर अफोर्ड नहीं कर सकता अभी रशिया जैसी कंट्री जैसे मैंने कहा था उनके पास क्रूड ऑयल है तो डेफिनेटली ऐसी कंट्री यहाँ पे इस तरीके की चीज़ें यहाँ पे सोच सकती है बाकी कंट्रीज की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें राइट उनको बहुत ही संभल संभल कर यहाँ पे चलना पड़ता है सो so, जो मेजर रीजंस थे वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिए जो लोग यहाँ पे पूछते थे कि सर क्या मेजर पांच रीज़न है जिसके चलते पूरे दुनिया भर के बाजार में प्रेशर है तो फिलहाल ये पांच रीज़न देखने को मिल रहे हैं जिसमें से अगर मैं बात करूं तो जो नंबर वन रीज़न था कोविड से रिलेटेड इसको तो हम लोग हटा देते हैं नंबर टू की बात करें तो अभी भी जिंदा है रशिया वर्सेज यूक्रेन इसके चलते जो इन्फ्लेशन का खतरा है वो भी अभी तक जिंदा है रिसेशन की बात करें बाहर की दुनिया में वो भी देखने को मिल रहा है इंटरेस्ट रेट हाइक होगा ये भी हर किसी को पता है एंड चाइना ताइवान की अगर हम लोग बात करें वो भी प्रेशर फिलहाल तो हम लोग को देखने को आप मिल रहा है सो आशा करता हूँ ये वीडियो से आप लोगों को हेल्प मिली होगी सारी चीज़ें कवर हो गई होगी तो आप चाहते इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी आप कर सकते हो सो दैट्स ए थैंक यू वेरी मच दोस्तों वी विल भी मीटिंग नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए बाय बाय